मॉल का मंच से ग्रामीण जन भयभीत। मुंगेली जिले में एक ऐसा ही गांव है जहां विकास के नाम पर बातों का पुल बांध रहे हैं, जहां विकास का दम भरा जा रहा है, वहीं सरपंच बिना आग की रोटी सेक रहे हैं। समस्या की जानकारी जब दिया जाता है तो चतुराई से मन के लड्डू खिलाकर ग्रामीण को खिसका देते हैं। बार बार कहे जाने पर भी कान में जूं तक नहीं रेंगता है, ग्रामीण परेशान है। मुंगेली जिले के मोतिमपुर में विकास की चिड़िया उड़ चुकी है, लोग त्रस्त है। ग्रामीण ने बताया कि गांव के मुखिया गली जहां से मोहल्ले वासियों के निस्तारी वहीं से होता है, पर गली दलदल में तब्दील हो गया है। जब बारिश होता है तो गली तालाब बन जाता है, वहां से पार करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे बूढ़े दलदल में फंस कर गिर जाते हैं, वहीं महिलाएं वहां से पार करने में शर्मिंदगी महसूस करती हैं क्योंकि बिना कपड़े उठाए वहां से पार नहीं कर सकते। यहां तक कि बहुत से बाइक साइकिल सवार गिर कर घायल हो चुके हैं। इसकी जानकारी जब सरपंच को दिया जाता है तो पैसे निकाल लिया हूँ कह के महीनों से हवा में पुल बांधता रहता है। इधर ग्रामीण जनों की निस्तारी दुर्भर हो गया है। इसी क्रम में ग्रामीणों ने बताया कि 2 लाख के लागत से सार्वजनिक मंच बनाया गया था जो कि अब तक अपूर्ण है। पूरा होने से पूर्व दीवार फट गया तथा बीम भी टूटकर नीचे गिरने की स्थिति बन गई है। पूर्व कलेक्टर में जन दर्शन में किया जा चुका है पर किसी भी तरह के जांच नहीं हो पाया है। इसके कारण सरपंच भी ध्यान नहीं दे रहा है। यदि कभी कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इतना ही नहीं, स्कूल के सामने टैप नल के नाम से खोद कर छोड़ दिया गया है जिसपे पानी भरकर कुआं बन गया है। इसमें बच्चे व जानवर गिर कर घायल भी हो चुके हैं। गांव में इतनी परेशानी होने के बाद भी जिम्मेदार चैन के नींद सो रहा है। साहब का गली रोड खराब है, तकलीफ जाते बच्चा मन नाके पर बहुत तकलीफ है। पढ़ने वाला बच्चा मन के कहाँ चल है? हर भारी तकलीफ है साहब। तो सरपंच क्या है इसका? आज सरपंच 10 बार बोल चुके ध्यान ही नहीं दे साहब। क्या बोलता है? अब आज करूंगा कॉल करूंगा कि बोलो थे साहब। पंच लोग क्या बोलते हैं? और पंच लोग मनता कथे कुछ नहीं है, कथे आज बनी काल बनी गई। अच्छा नहीं बना है? नहीं बना है साहब। पानी गिरता होगा फिर कैसे होता होगा? पानी गिरा था माड़ी घर वही मर लेगा थे साहब। आकर ही अब आ जा हमारा कपड़ा उठा के पूरा नाकट बिचारी मन का करी। आप लोग गाँव में? मेरे घर के सामने में एक बहुत कीचड़ है। क्या नाम है आपका? नकुल यादव। अच्छा, आने जाने में बहुत परेशानी है। कैसे कीचड़ है, क्या है इसका? कोई समस्या का समाधान वगैरह गांव वाले सरपंच सरपंच का कोई बातचीत? उसको बार बार बोल रहे हैं बनाऊंगा बोल रहे हैं, वो बना ही नहीं रहे। वो बोला एक हफ्ते में सूखा था तो उस समय माटी वाटी गिराया था, बनाऊंगा कहकर अब फिर रोक दिए उसको। तो लग रहा है पानी भरता होगा तालाब जैसे। जी ठीक, कैसे करते उस समय में आप? उस समय कहाँ कहीं समस्या बहुत है, वहाँ पर कई लोग मोटरसाइकिल में गिर जाते हैं। सभी गांव में सीसी रोड बन रहे थे, यहाँ किस नहीं बन रहा? यहाँ पास हो गए है कहकर सरपंच बोलते हैं और सामान अभी तक नहीं गिराया मटेरियल को। पंच क्या? हाँ 11 वाट का। नाम क्या है आपका? परमेश्वर यादव। आप यहाँ के विकास के बारे में क्या लगता है? विकास दिख रहा है गाँव में? विकास के लिए पैसा निकला है भैया, करवाता नहीं है तो हम क्या करेंगे? जैसी करवाता नहीं है, पेमेंट वेमेंट सब निकल गए है रोड का। कितना निकल गया है अब इनका रोड का? मतलब 60,000 निकल गया है। तो नहीं कराने कुछ कारण बताते होंगे? अब वही जानेगा भैया, निकाल काम करूँगा करके पैसा निकाल लिया है, वो करा नहीं रहे वो जानेगा कैसे निकाला रहे। अच्छा पंच है तो इसके बारे में चर्चा नहीं होती आपकी बैठक में? मीटिंग अभी हुआ था, मीटिंग उसमें पैसा निकाल के दिए हैं। अच्छा, अभी उसके बाद मीटिंग नहीं हुआ, कैसा कर रहा है वही जानेगा। सरपंच का क्या नाम है? सौदराबाई बंजारे। लेडीज सरपंच के? हाँ। और ये कीचड़ के बारे में क्या कहना है आपका? आपका गांव बहुत कीचड़ दिख रहा है। तभी वह तत्काल बजरी डलवा रहे हैं, सीसी रोड चालू हो है कहीं से, तो कब पेमेंट निकले बात तो ध्यान ही नहीं देते, कैसे नहीं बनवाते थे नहीं जाने एजेंसी। बताइए। हाँ सर, आपके गांव में बहुत सारे कीचड़ दिख रहे हैं, क्या कारण है कीचड़ इस टाइप का, क्या समस्या आपको? ये ग्राम पंचायत का कारण है सर, ग्राम पंचायत वाले क्या कारण नहीं बनवा रहा है कैसा है कोई पता नहीं है। इसमें बार बार हम लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कई आदमी गिर रहे हैं यहाँ पे, मोटरसाइकिल से गिर रहे हैं, साइकिल वाले भी गिर रहे हैं, पैदल आने जाने में परेशानी हो रहा है। और सरपंच को कई बार हम बोल चुके हैं कि सरपंच इसको बनवा दो तो आजकल कर टल रहा है ये। क्या बोलते हैं सरपंच इस मामले में? बोलता है बनवाऊंगा पैसा निकल रहा है, उसको दिया हूँ नक्शा खसरा, बनवाऊंगा बोल रहा है। कितने महीनों से इस तरह से बोल रहा है ये? पूरा सर उसमें है, मई से है। अच्छा, मई से और जून से भी है इसमें कीचड़, इसमें गांव का पानी भी आता है इसमें, तो नाली बनवाऊंगा भी बोल रहा था, नाली भी नहीं बना आज तक। और यहाँ का बाकी जो पानी वानी जो भर जाता है यहाँ? हाँ सर। तो आने जाने में समस्या तो होती होगी? आने जाने में सर इतना समस्या है, घर से बाहर मोटरसाइकिल वाले कितनों जन गिर जाते हैं, पैदल आने जाने में परेशानी है यहाँ पे। बारे में क्या बताना चाहेंगे बताइए? मंच को तो करेक हो गया, पानी टपक रहा है ऊपर से,
और दीवार भी क्रेक हो चुका है। कितना लाख इसमें पास हुआ था आपके जानवर सर? कितने पास हुआ था इसमें? ये 2 लाख का है सुकृति। क्रेक मतलब कौन लिया था ठेका इसका? ये सरपंच ही बना रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्रेक व्रेक है इसके बारे में कुछ शिकायत का? दर्शन में दे चुके हम लोग, 8 तारीख से निराकरण नहीं हुआ है। तो आगे क्या, फिर आगे क्या सोच रहे हैं? कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल जांच होकर दूसरा लेटर डालना चाहिए टूट कर। और सरपंच किसका अवगत है? सरपंच को तो बोल चुके थे, तो नाव रिपेयर कर तो बोल नहीं पाया वो, आजकल बोल रहा है। ये तो खतरा बना हुआ है, आप लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे, गिर जाकर कैसे करेंगे? गिर जाएगा तो जवाबदारी सरपंच रहेगा। और इसके बारे में आप लोग गांव वाले कुछ और कुछ कदम उठाए हैं मिलकर? मिलकर 4-5 लोग तो गए थे सर, जन दर्शन में दे चुके हम लोग, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 8 तारीख से जांच नहीं हुआ है। बारे में कहाँ चले हैं? आवास के बारे में, आवास है साहब, पैसा नहीं डाला थे। क्या समस्या है, कुछ बताए हैं? बता रही से मतलब ये लगा दे रही से रोक, कौन लगा था रोक? दुना रोक कर दे, दुना के रोक कर दे। काहे के लिए? सरपंच रोक कर दे, पक्की घर है के अच्छी, पक्की घर के घर कुछ नहीं, कच्ची से हमारा, कच्ची पूरा कच्ची से हमारा। आप दिखा सकते हो घर कच्ची पक्की है? देख लो सामने, ये बोलने से हो जाएगा? सुची में आपका नाम था? सुची, हां सुची नाम पूरा है साहब। हां, और शौचालय वगैरह कहां चले हैं? शौचालय बनेंगे साहब, बन गया है, बहुत आदमी के नहीं बने हैं अभी तक, कतु है बने नहीं, कतु है नहीं बने, 25% नहीं बने हैं। का कारण से ही बने मतलब? पता नहीं, अब सरपंच जाना है। रोड के बारे में क्या कहना है, गांव के कीचड़ ये रोड के बारे में क्या कहना है? कीचड़ बहुत गंदगी होते है, और बोला साहब आज कल ही आज गिर ही के बोलते साहब, रोज बोलते हुआ, और ये 80,000 रुपए निकाल चुके हैं। आपको कैसे पता निकल चुका है? पंचायत बैठक में निर्णय लिया है उन लोग। आप थे क्या? हम लोग नहीं थे, पंच लोग थे। अच्छा, पंच लोग बताया आपको? पंच लोग बताया था। कितना निकल गया बताए? 80,000 रुपए। तो इसका किस काम के लिए निकाले हैं? अभी नहीं बन पाया है, नहीं बन पाया है। क्या बोलता है? बनाऊंगा कहता है, बनाता है नहीं। उसने घुमाया साहब, उसने घुमाया तो है, आज गिरा हम का गिरा बात करते हो, और लेकिन बड़ा हुआ गिरा साहब, ऐसे स्कूल साहब पूरा लेकिन गिरा थे रोड में, चोट लग गए थे बच्चों को? नहीं नहीं लगे, नहीं बच्चों को चोट नहीं लगा साहब, बैठे हैं पंचायत मुख्य, बोला 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 बोला, पूरा गिरा लेकिन। हां,